माता वैष्णो देवी के बाद बाबा बालकनाथ की आरती अब दूर बैठे भक्तों के लिए बिल्कुल करीब हो जाएगी। बाबा के दरबार सुबह व शाम के वक्त होने वाली पूजा अर्चना व आरती को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वेब कैमरों के जरिए इस पूजा अर्चना को यूट्यूब के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने के लिए प्लान तैयार हुआ है। इस व्यवस्था से क्षेत्र का धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ की नगरी द्योरसिद्ध हिमाचल के सभी धार्मिक स्थलों से ऊपर आ जाएगा। YouTube पर पूजा अर्चना का सीधा प्रसारण होने से सात समंदर पार बैठे भक्त बाबा के दरबार में हो रही पूजा अर्चना व आरती में अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। माता वैष्णो देवी में होने वाली आरती का सीधा प्रसारण टीवी चैनल पर चलता है, लेकिन द्योरसिद बाबा की पूजा अर्चना YouTube पर चलेगी। इस सारी व्यवस्था के लिए बाबा के भक्त आगे आए हैं। पंजाब से संबंध रखने वाले इन भक्तों ने इस व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव मंदिर परिषद को सौंपा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ट्रस्ट मात्र इसे चलाने के लिए हरी झंडी दे दे। इसके ऊपर होने वाले सारे खर्च का वहन भक्त स्वयं उठाएंगे। करीब 25 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान इन भक्तों ने स्वयं कर रखा है। ट्रस्ट को दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कैमरे की आवश्यकता होगी। इस कैमरे में तकनीकी यंत्रों के साथ साथ स्टाफ के बैठने की व्यवस्था भी करनी होगी। इस व्यवस्था के लिए ट्रस्ट को मात्र कमरा उपलब्ध करवाना होगा, बाकी सारा खर्चा भक्तों द्वारा उठाया जाएगा। इस नई व्यवस्था से द्योरसिद बाबा बालकनाथ की नगरी हर भक्त के नजदीक हो जाएगी। मात्र पूजा के समय भक्त को YouTube पर बाबा के दरबार को सर्च करना होगा। दूर बैठे भक्त भी इस पूजा अर्चना का हिस्सा बन सकेंगे। इस सारी व्यवस्था में वेब कैमरे भी लगेंगे। मंदिर ट्रस्ट व प्रशासन के लिए ये काफी सहायक सिद्ध होंगे। इन्हीं कैमरों में कैद होने वाली हर पिक्चर का रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास रहेगा। वहीं कहीं पर किसी ने हेराफेरी की तो वह भी पकड़ा जाएगा। हमीरपुर उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि बाबा के दरबार में सुबह व शाम के वक्त होने वाली पूजा व आरती को ऑनलाइन करने के लिए एक भक्त का प्रस्ताव मिला है। ट्रस्ट की आगामी बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो ये भक्तों के लिए एक अच्छी पहल होगी। लोग घर बैठे पूजा अर्चना में शामिल हो सकेंगे।